डिंडोरी के शाहपुर में तैनात एसडीएम निशा नापित शर्मा की हत्या के मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। एसडीएम की हत्या के आरोपी पति मनीष शर्मा को लेकर बड़े खुलासे हुए हैं। इस मामले में एमपी तक पहुंच गया आरोपी मनीष शर्मा के ग्वालियर स्थित घर, लेकिन आरोपी मनीष के भाई नीलेश शर्मा ने जो खुलासा किया वो हैरान करने वाला था। मनीष ने इससे पहले भी शादी की थी लेकिन तलाक ले लिया था। इतना ही नहीं, आरोपी के भाई की माने तो मनीष ने केवल 5वीं तक पढ़ाई की थी और बसों में कंडक्टरी करता था। तक पढ़ाई लिखाई हुई है मनीष की? मेरे ख्याल से तो 5वीं पास नहीं, जब 5वीं में था शायद फेल हो गया था, उसी टाइम घर भाग गया था। 6-7 साल बाद तो मालूम पड़ी कि ये जिंदा है। जब बसों पे चलने लगा, देखने लगा तो आना जाना नहीं। मेरे पिताजी खत्म हो गए, मेरे भैया खत्म होने के बाद जाने जी कह दी मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आऊंगा। 2014 में भैया खत्म हो गए, मेरे पिताजी के बाद मैं नहीं। कितने भाई? हम 4 भाई थे। एक बड़े भैया मेरे गिर गए थे, दिल की हड्डी टूट गई थी जी। 2010 में 14 तक इलाज कराया, 14 में वो खत्म हो गए थे, उसमें भी नहीं आए। निशा नापित शर्मा का जन्म छत्तीसगढ़ में 22 दिसंबर 1973 को हुआ था। विधानसभा चुनाव से पहले साल 2023 के जुलाई महीने में निशा बतौर एसडीएम शाहपुरा में नियुक्त हुई थी। मैट्रिमोनियल साइट से ग्वालियर के मनीष शर्मा से निशा नापित की जान पहचान हुई थी और फिर 2020 में दोनों ने शादी कर ली। निशा की बहन की माने तो मनीष का नाम निशा ने अपने बैंक अकाउंट में नॉमिनी के रूप में नहीं दिया था, इस वजह से आए दिन झगड़े होते रहते थे। 2020 से मैं शादी हुई थी और वो रेगुलर आना जाना नहीं करता था, बीच बीच में आता था और उसको बहुत शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता था। सिर्फ उसको पैसा चाहिए था और हमेशा पैसे, ग्वालियर का रहने वाला है, बेरोजगार है और बस उसका ये था कि मुझे पैसे दो, मेरा नाम नॉमिनी में डालो सर्विस बुक में। हमेशा प्रेशर डालता रहा उस पर वो लगातार, लेकिन हम लोग की समझाइश के कारण वो नहीं ऐसा कर रही थी। हम लोगों ने उसे बहुत सलाह दी कि भाई कि ऐसा चल रहा है, दूर रहो, लेकिन वो अपना सम घर गृहस्थी संसार चलाना चाहती थी, संकट चले मेरा परिवार आम लोगों जैसे, तो इसलिए मिलना जुलना बातचीत फिर कंटिन्यू हो जाती थी बीच बीच में। लेकिन दो दिन ठीक रहता था, फिर उसके बाद फिर वही लड़ाई झगड़ा, फिर वही हर बात में बस सिर्फ कितना पैसा है, क्या करती है, किसको देती है, कहाँ जमा कर, सब मेरे को पता है, मैं पता कर लूँगा। दरअसल शहपुरा में एसडीएम पद पर तैनात निशा नापित शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। निशा के पति मनीष शर्मा ने शुरू में इसे हार्ट अटैक बताया, लेकिन पुलिस की पूछताछ में वह टूट गया। पुलिस ने दावा किया कि निशा की हत्या मनीष ने ही काफी बेरहमी से की थी। डिंडोरी से डेविड सूर्या के साथ ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, एमपी तक।